कल खेले गए मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने पुणे के एमसीए स्टेडियम में दिल्ली डेयर डेविल्स को 13 रनों से हरा दिया। इस मैच में शेन वॉटसन ने 40 गेंदों में 78 रन और धोनी ने 22 गेंदों में 51 रन बनाए। दिल्ली भले ही ये मैच हार गई हो, लेकिन टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी की, उनकी चारों तरफ तारीफ हो रही है। पंत ने 45 गेंदों पर 79 रन बनाए। इस पारी में पंत ने 4 छक्के और 7 चौके लगाए। 79 रन की इस पारी में ऋषभ ने तरह तरह के शॉट्स लगाकर सबको हैरान कर दिया। लेकिन 16वें ओवर की चौथी गेंद पर जिस तरह से पंत ने चौका मारा, वो सबसे ज्यादा हैरान करने वाला था। चेन्नई की तरफ से डेब्यू करने वाले आसिफ 16वां ओवर फेंक रहे थे। आसिफ ने जैसे ही चौथी गेंद फेंकी, ऋषभ पंत ने लेटकर ऐसा शॉट मारा कि गेंद बाउंड्री के पार चली गई। ऋषभ पंत के एक शॉट से न सिर्फ गेंदबाज आसिफ बल्कि वहां मौजूद दूसरे खिलाड़ी और स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी हैरान रह गए थे।